नमस्कार, मेरा नाम है लव सिंह, आप देख रहे हैं इंडियन हॉर्सेस। और आज की इस वीडियो में आप माधवगढ़ उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हॉर्स डांस की वीडियो देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पीछे की फाइनल वीडियो को देखा, और यही वो अन्य राउंड है जिनमें से घोड़ों को छाटा गया, घोड़ों को लिया गया, प्रत्येक राउंड में दो दो घोड़ों को रखा गया और उसमें से एक घोड़े को सेलेक्ट किया गया। फिर जो घोड़े सेलेक्ट हुए, फिर उनमें से एक एक घोड़े को उठाया गया और लास्ट में तीन ऐसे सुपरस्टार घोड़े निकले जो फाइनल के लिए दावेदारी करने लगे। लेकिन आपको बता दूं कि इन तीनों में बहुत ही मुश्किल था निर्णायकों के लिए कि कौन से घोड़े को प्रथम, सेकंड व थर्ड का पुरस्कार दिया जाए। और आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक निर्णायकों की बात है कि कैसे इस खेल में किसी को अंदर और बाहर किया जाता है, वो है घोड़े के स्टेप पे। मैं इस वीडियो में खास आपके लिए यही बताने वाला हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अभी आप एक कलाकार को कला का अपना प्रदर्शन करते हुए खूब देख रहे होंगे, इन्होंने दर्शकों का दिल तो जीत लिया पर निर्णायकों की मंडली का दिल ये नहीं जीत पाए। क्योंकि उनका कहना है कि इस प्रकार की खेल दिखाकर आप दर्शकों का दिल जरूर जीत सकते हैं, लेकिन ये खेल के अंदर इसका कोई महत्व नहीं है, ये सिर्फ आपके कला का प्रदर्शन है। इस खेल में बने रहने के लिए आपको जिस प्रकार से चाल में घोड़ों को दौड़ाना रहता है, उसी तरह आपको नृत्य का ही प्रदर्शन करना है। ये तो एक नाटक का रूप हो गया जिससे आप दर्शकों का मनोरंजन कर सकते हैं। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। जिस प्रकार से आपने कई वीडियो में देखा होगा कि लोग घोड़े को खाट पे खड़े करके डांस कराते हैं, उनका इन प्रतियोगिताओं में कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे निर्णायक सिर्फ ये देखते हैं कि आपका घोड़ा जब अंदर प्रवेश करता है डांस के लिए तो वो अपने पैरों पे कितना अच्छी तरह से डांस करता है। यहाँ भी चालों की आपको बता दूं तो इसमें भी चौताला देखा जाता है, क्योंकि जो घोड़ा चारों कदम पे थिरकते हुए आगे बढ़ रहा है उसे चौताला आप कहेंगे। और कुछ घोड़े दो पैरों पे भी डांस करते हैं और आगे के दो पैर हल्के से उठा लेते हैं, उनको भी इस श्रेणी में रखा जाता है और वो काफ़ी मुश्किल भरा डांस है। अभी आप देख रहे हैं घोड़ा, उसी का कुछ नमूना दिखा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी या नियम को लेकर कोई बातें आपके मन में प्रश्न उठ रहे हों तो आपके लिए नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, वहाँ जाकर आप कमेंट टाइप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये माधवगढ़ में प्रतियोगिता जो हॉर्स डांस की मिस्टर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा आयोजित कराई गई वो काफ़ी पसंद आ रही होगी। हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये प्रतियोगिताएं कैसी लगी, क्या आप आगे और ऐसी प्रतियोगिताओं को देखना चाहेंगे। माधवगढ़ किसान मिस्टर ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह जी के द्वारा काफ़ी अच्छी प्रतियोगिता सिर्फ इसलिए कराई गई कि वो लोगों से मिल सकें, लोगों का हालचाल जान सकें और इस खेल की महत्व जो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है उसे एक नया रूप दे सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।